चिपचिपा पानी आना, कारण और उपचार। मैं आज बात करने वाला हूँ कि चिपचिपा पानी क्या होता है, वीर्य से वो कैसा अलग होता है, उसके लिए इलाज है क्या, क्या उससे प्रेगनेंसी हो सकती है, इसके बारे में सब चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोगों की, यंग लड़के जो रहते हैं, इतने सारे ऑनलाइन कॉल्स आते रहते हैं और उनका कहना ये रहता है कि चिपचिपा पानी आता है तो क्या करें। क्या होता है कि उनको लगता है कि जब वो गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो सेक्स करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो चिपचिपा पानी उनका आता है। उनको लगता है कि मेरा वीर्य स्त्राव हो गया, पहले हो गया, ऐसा उनको लगता है वीर्य स्त्राव। और अभी क्या, अभी मैं कैसा सेक्स कर सकता हूँ? तो ये जानना जरूरी है कि ये जो चिपचिपा पानी आता है उसको एक्चुअली साइंटिफिकली प्रीकम कहते हैं। प्रीकम, PRECUM, प्रीकम। प्रीकम जो है वो शुरुआत में आता है, मतलब जब सोचे भी कोई लड़की के बारे में या सेक्स करना है इसके बारे में सोचे भी, तभी वो शुरुआत में आता है। और वीर्य जो है वो अंत में आता है, सेक्स के अंत में वीर्य आता है, मतलब दोनों में फ़र्क है। प्रीकम जब निकलता है तो झटके का एहसास नहीं होता, जब वीर्य निकलता है तो झटके का एहसास होता है, ये दोनों में ऐसा फ़र्क है। प्रीकम 2-3 बूंद निकलता है तो वीर्य 2-3 ml या 30-40 बूंद या 50 बूंद 2-3 ml तक निकलता है। प्रीकम जो है चिपचिपा पानी वो पारदर्शी रहता है और चिपचिपा रहता है, चिकना रहता है। और वीर्य जो है वो पीला या सफ़ेद ऐसा होता है और वो चिपचिपा नहीं होता है। ये दोनों में फ़र्क आपको समझ में आया होगा। तो प्रीकम जो है उसमें स्पर्म नहीं रहते, मतलब शुक्राणु रहते नहीं हैं, वो मेनली काउपर्स ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन वो होता है और उसमें स्पर्म्स होते नहीं हैं। मगर गारंटी नहीं है कि उसमें स्पर्म्स नहीं है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि स्पर्म कहीं पहले बचे होंगे और उसमें स्पर्म होंगे। तो फिर प्रीकम जब अंदर जाएगा और वीर्य गया भी नहीं, प्रीकम ही गया अंदर, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रीकम कैसे अंदर जाएगा? लोगों को लगता है कि हम क्या करेंगे, जब वीर्य जब बाहर निकलने का टाइम आएगा उस समय पेनिस बाहर निकालेंगे, लिंग बाहर निकालेंगे और फिर उसका वीर्य स्खलन जो वो बाहर करेंगे, योनि के बाहर करेंगे, तो फिर होंगे नहीं प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रीकम जो है उसमें समझो यदि कोई कारण से शुक्राणु है और आपने सेक्स किया हुआ है, योनि में लिंग का प्रवेश करके आपने सेक्स चालू किया है, वीर्य बाहर निकलने के पहले निकाल भी लिया मगर प्रीकम तो अंदर गया हुआ है और प्रीकम में यदि शुक्राणु है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 41% पुरुषों को प्रीकम से ही प्रेगनेंसी हो गई। प्रीकम का मेन काम क्या है, जो चिपचिपा पानी आता है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम यह है कि वो जो नली है जहाँ से वीर्य आता है, तो पहले प्रीकम आता है और बाद में वीर्य आएगा। तो प्रीकम का काम यह है कि वो जो एसिडिसिटी जो है, एसिडिक जो है, वहाँ का जो लेवल एसिडिक होता है यूरिन की वजह से, तो प्रीकम उसको एसिडिक को अल्कलाइन कर देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके शुक्राणु जो है वो ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे, तो उसका बहुत बड़ा रोल है ये। और दूसरा बहुत बड़ा रोल प्रीकम का ये है कि वो चिपचिपा है, चिकना है, ताकि लिंग का योनि में प्रवेश करने के लिए आसानी हो जाए, सटक जाए अंदर। यदि प्रीकम नहीं है तो अंदर जाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी कभी आप योनि में पेनिस का, लिंग का पेनिट्रेशन करते हो, अंदर डालते हो और आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो पहले से ही कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये प्रीकम और वीर्य, इसमें आपने फ़र्क देखा हुआ है। जैसा हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय पहले ही खाना देखते ही, अच्छा खाना है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, पहले हमको मुँह को पानी आ जाएंगे। वैसे ये कि आप सेक्स की बात करते हैं, सेक्स के बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, तो चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तैयारी है। उसको ये मालूम नहीं रहता है कि अभी आगे सेक्स होने वाला है या नहीं है, उसको मालूम है कि अभी सेक्स सोच रहे, इसका मतलब सेक्स होगा, तो अपनी तैयारी करके रखो। एक तरह से क्या है, एक तरह से वो ऐसा है कि भाई पीछे से राजे महाराजा आ रहा है, और राजा महाराजा कौन है, राजा महाराजा शुक्राणु है, बड़े साहब वो पीछे आने वाले है, तो रास्ते की साफ सफाई करना है, तो रास्ते की साफ सफाई करने का काम ये प्रीकम करता है। और साफ सफाई मतलब एसिडिक जो लेवल होंगी तो उसको अल्कलाइन कर देता है, ताकि शुक्राणु जो है ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। प्रीकम में यदि शुक्राणु है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, और इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए प्रीकम से
ये मत समझो कि प्रीकम है अभी तो वीर्य आया नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होंगे, ऐसा मत समझो। लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी डालने के लिए वीर्य स्खलन बाहर करते हैं, तो वो भी कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। कुछ ना कुछ वीर्य यदि अंदर गया, पहले ही थोड़ा निकल गया होगा, या प्रीकम में भी स्पर्म्स होंगे तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये चिपचिपा पानी का कोई डर नहीं है, चिपचिपा पानी आता है उसे कुछ नुकसान होता नहीं है, चिपचिपा पानी मतलब वीर्य नहीं है। और चिपचिपा पानी ये अलग है, ये हमारे अंदर जो ग्रंथि है उसका स्त्राव है, और वो स्त्राव एक्चुअली जब शुक्राणु आते हैं उसमें भी मिल जाता है, थोड़ा थोड़े प्रमाण में उसमें मिल जाता है, ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वीर्य की बड़ी बन जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।